ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमें बार बार इसके बारे में नई जानकारी मिलती रहती है। इतना ही नहीं, पुरानी धारणाएं टूटने का सिलसिला भी कम नहीं है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला कि ब्रह्मांड में अब तक पृथ्वी की जो स्थिति सोची या समझी गई थी वह गलत थी। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का नया नक्शा बनाया तब उन्हें पता चला कि हमारे सौर मंडल की तो जगह ही कुछ और है, ब्लैक होल के पास। शोध में हमारी गैलेक्सी का कैटलॉग पब्लिकेशंस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ जापान में प्रकाशित हुआ है। हमारा सौर मंडल अब हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित ब्लैक होल के ज्यादा पास है, जबकि पहले यह थोड़ा दूर मापा गया था। हमारा सौर मंडल सेजिटेरियस ए नाम के इस ब्लैक होल की चक्कर भी तेजी से लगा रहा है। क्या यह चिंता की बात है? लेकिन चूंकि हमारा सौर मंडल सेजिटेरियस ए के अंदर की ओर नहीं जा रहा है, इसलिए चिंता की बात नहीं है और इस बात से किसी तरह का खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, मिल्की वे का नक्शे में थोड़ा सुधार हुआ है और उसमें हमारी स्थिति और सटीकता से बताई गई है। यह सर्वे यह भी बताता है कि गैलेक्सी के अंदर होते हुए उसका 83वां नक्शा बनना कितना मुश्किल काम होता है। दरअसल मिल्की वे का सटीक नक्शा बनाने में यही सबसे बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, हमारी अंतरिक्ष को अच्छे समझने में भी समस्या आ रही थी। दो आयामी स्तर पर अंतरिक्ष के तारों और दूसरे पिंडों का नक्शा बनाना आसान है, लेकिन इन पिंडों के बीच की दूरी का अनुमान लगाना आसान नहीं है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।